बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इस वीडियो में थोड़ा सा मैंने ये चीज़ बतानी है आपको कि जो स्प्रिंग है, ठीक है, कौन सी वाली में कौन सा स्प्रिंग डालना है, ठीक है, कौन सी टाइट चाहिए, इसको टेंशन पोस्ट भी आप कह सकते हैं, ठीक है, और दुशाखा भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहली वाली है, ठीक है, इसमें बिल्कुल नरम स्प्रिंग होनी चाहिए, बिल्कुल नरम है ये, ठीक है। पीको आपने जौन सा भी बनाना हो, लेकिन ये वाली स्प्रिंग बिल्कुल नरम होनी चाहिए, ठीक है। ये वाली, ये चारों में सबसे सख्त वाली स्प्रिंग ये वाली होगी, ठीक है, ये दूसरे नंबर पे। और ये वाली, ये दोनों एक बराबर होना चाहिए, इस वाली से थोड़ी सी नरम हो और इस वाली से सख्त हो, ये वाली, ठीक है। तो ये दोनों थोड़ी सी सख्त हो, ये ज़्यादा सख्त हो और ये बिल्कुल नरम, ठीक है। और फिर जब इसके ऊपर आप कैप लगाते ना, तो फिर भी अगर आपने बेबी पीकू, जापानी पीकू वगैरह बनानी, तो इसको बिल्कुल हल्का सा आपने रखना है, ठीक है, बिल्कुल हल्का, तो बस धागे पे थोड़ा सा प्रेशर हो इसका, ठीक है। ये फिर अपने हिसाब से, जो पानी पीको तो ये थोड़ा सा सख्त होना चाहिए, और अगर आपने कटवर्क या अंगूरी पीको या चुड़ैल पीको आपने बनानी है, तो इसको फिर बिल्कुल टाइट करना चाहिए, ठीक है, जो सख्त धागे इसमें आते हैं, ठीक है। और जो पानी पीको में तो आपको पता होगा ये बिल्कुल नरम सी धागे होते हैं, तो ये बिल्कुल नरम होने चाहिए, ये थोड़ा सा सख्त हो, और ये दोनों नॉर्मल कंडीशन में फिर आपने रखनी चाहिए, ठीक है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूँ, अगर आपका ये वाला नट जो है ये ख़ुद ब खुद मशीन चलाने से, यानी कि ये अभी थोड़ा सा लूज़ है, ये बिल्कुल टाइट लग गया है, ठीक है, तो इसको टाइट करने के लिए मैं एक चीज़ आपको और भी बता देता हूँ कि किस तरह आपने करनी है, ठीक है। इसका ये नट आपने निकाल लिया, फिर इसके बीच में आपने इस तरह पेचकस डालनी है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा खुल जाएगा, और इसके बाद आप इसके ऊपर नट लगाओगे तो ये टाइट हो जाएगी, ठीक है, ख़ुद ब खुद ये लूज़ नहीं हो जाएगी, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से फिर इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये बिल्कुल नरम, ये सख्त हो गया, और ये दोनों नॉर्मल है, यही तरीका है, ठीक है जी।